अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर, सब्ज मिर्च, लीमू और फूल गोभी का अचार। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स अपनी पसंद की मूली या मूंगरे वगैरह शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये कलरफुल अचार बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसे कैसे रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सब्ज मिर्च लिया है 1 किलो, और इन्हें अच्छे से वॉश करके और पानी जब इनका ड्राई हो गया तो इसे कट करके नमक से मैंने भर लिया। 1 किलो गाजरें और 1 किलो ही गोभी ली है, गोभी का ऊपर वाला पोर्शन, और इन तमाम को हमने कट करके वॉश करके पानी जब सूख गया तो इसमें नमक मिक्स करके 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया, मिला के रख देंगे। और ऑयल को रेडी कर लेते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल एक कढ़ाई में डाला है मैंने, और इसे इतना जलाया कि इसमें से धुआं निकलने लगा। इसमें कोई चीज़ फ्राई करके देखें, अगर झाग ना बने तो इसका मतलब ये ऑयल भी रेडी है। अब 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ही मेथी दाना और 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च ऐड करेंगे, और तमाम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन का शामिल करेंगे इसी में, और इनको भी ड्राई रोस्ट होने देंगे 2 से 3 मिनट। अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर दें, और इस मसाले को हमें रूम टेम्परेचर पर लेके आना है। कलवंजी जो है ये मैंने अलहदा से रखी है, इसमें शामिल नहीं की मसाले में, क्योंकि कलवंजी को हम नहीं पीसेंगे और ये मसाले को दरदरा सा ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये सब्जियों को 5-6 घंटे रखने के बाद इन्होंने पानी रिलीज़ कर दिया है अपना, नमक लगा के रखा था, पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। ये लेमन मैंने लिए 1 किलो, इनको कट करके रख लिया, और मसाले नमक 2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च, हल्दी 2-2 टेबलस्पून, और कलवंजी जो है 1 टेबलस्पून मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी निकालने के बाद सब्जियों को मैंने फैला के रख दिया, थोड़ा सा पानी इनका ड्राई हो गया, तो एक हांडी या मर्तबान में शामिल कर दें। मैंने हांडी का यूज़ किया मिट्टी की, और मसाले जो हैं नमक मिर्च हल्दी में ग्राइंड किए हुए मसाले, मोटा मोटा सा ग्राइंड किया था, शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो कि जला के ठंडा किया हुआ है, इसमें शामिल करेंगे, और जो वेजिटेबल्स हमने डाली हैं इनके ऊपर मसाले को ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को, ताकि मसाला सब सब्जियों को अच्छे से लग जाए। बाकी मसाला डालने के बाद जो कूल डाउन किया हुआ था मस्टर्ड ऑयल, इसे भी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे ताकि सब्ज़ी का कलर और क्रंच जो है वो बरकरार रहे, और 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे। धूप लगवाने के बाद ये इस कंडीशन में अचार आ चुका है, अचार हमारा रेडी है। और इसे किसी कंटेनर में ड्राई किए खुश्क धुले हुए कंटेनर में निकालें, अच्छे से तरह से दुबा दुबा के आपने फिल करना है, और ऊपर जो है मस्टर्ड ऑयल जला हुआ ठंडा किया हुआ ये ऐड करें। और अचार अगर डूबा होगा तो काफ़ी अरसा तक ख़राब भी नहीं होगा, इसको तेल में डुबो के रखना है, सरसों के तेल में। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।